सो गुड टू सी यू मैम सर। और ट्रेलर हमने देखा, सभी ने देखा, ट्रेलर को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सो उसी के बारे में आपका क्या कहना है? जितना रिस्पांस ट्रेलर को मिल रहा है, मैं होप करती हूँ कि उतनी ही अच्छी लगे लोगों को वेब सीरीज़। और आपके पास पेट्स हैं क्या? डॉग है, तो आप देखेंगे क्या? बिल्कुल। हाँ, तो आपके जैसे बहुत सारे पेट पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ये हमको हमारे ट्रेलर के बाद पता चला। 10 दोस्तों में से 9 लोगों के पास कोई ना कोई पेट है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये उन सारे पेट्स के लिए है जो अपने ओनर्स पर, अपने फैमिली पर अनकंडीशनल प्यार करते हैं। और उनकी ये क्वालिटी आज तक किसी ने हाईलाइट नहीं की थी या उनको किसी ने स्टार नहीं बनाया था, तो हम अपने बच्चों के लिए ज़्यादा खुश है, ना कि इंडिविजुअली हमारे लिए। तो हम बहुत बेहद खुश है कि अब हमारे बच्चे दोनों लोगों को दिखेंगे। तो सबसे बढ़िया बात क्या है इस ट्रेलर के बारे में और हमारी वेब सीरीज़ के बारे में भी, ये रिलीज़ होने के बाद हमें पता चला कि जो रिस्पॉन्स हमें आया है वो सिर्फ मराठी ऑडियंस से नहीं आया है, बल्कि जैसे आप भी अभी देखिए, आप ही खुद बोल रहे हो कि आपने देखा और आपको काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि क्या है कि पेट्स की लैंग्वेज कोई अलग ही लैंग्वेज होती है, और उससे कनेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ आप मराठी हो, गुजराती हो, साउथ इंडियन हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो मुझे ऐसा हमें लगता है कि इस वेब सीरीज़ से आप कोई भी लैंग्वेज के इंसान हो, लेकिन आप कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज पेट्स की लैंग्वेज है और वो आपको समझ में आएगी ज़रूर। तो सर जैसा है कि आप लोग स्क्रीन पे फर्स्ट टाइम साथ में दिख रहे हो, तो उसके बारे में कुछ? यार फ्रेश, बहुत ही फ्रेशनेस है उसके लिए, क्योंकि लोगों ने आज तक हमें बहुत सारा प्यार दिया है हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, सही को भी, मुझे भी, लेकिन हम लोग एक साथ एक दूसरे के साथ पहली बार दिखने वाले हैं। तो ये हम लोग मतलब बोले ना इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या क्या है आपके पास, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, उसमें से ये भी एक बड़ी चीज़ है कि हम लोग एक साथ दिखने वाले हैं। पेट्स के टॉपिक पे हमारा ये वेब सीरीज़ है। सो हाँ, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग तो बहुत एक्साइटेड है कि लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, इसको लोग कैसे रिसीव करेंगे, लोगों को हमारी जोड़ी कैसे लगेगी, क्योंकि इसके आगे और 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं। तो सर अगर हम बात करें बंकू की, तो उसके साथ कैसा था आपका? बकू है एक्चुअली, बंकू उसका रियल नेम है। बकुड़ा जो हमारी कैट है, वो बहुत छोटी थी जब उसने शूट करना शुरू किया था इस वेब सीरीज़ के लिए, और उसको कुछ पता चलने से पहले ही शूट ख़त्म हो गया। सो आई थिंक बकू को अब जब दिखाया जाएगा कि वो छोटी थी तब ऐसी दिखती थी, वो कुछ अभी रिएक्ट कर पाएगी क्योंकि वो बड़ी हो चुकी है। और व्यंकू के पापा तो ये हैं, व्यंकू से ज़्यादा लगाव इनको है। व्यंकू यानी कि हमारा डॉग, जिसका नाम रियल नेम है बड़ी और स्क्रीन नेम है व्यंकू, तो व्यंकू के बारे में ललित बात करेगा। तो व्यंकू के साथ तो काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि वो पहले बहुत सारा काम कर चुका था हमसे भी ज़्यादा काम किया बाय द वे व्यंकू ने, जो डॉग है हमारी वेब सीरीज़ में, उसने हम दोनों से मिलकर ज़्यादा काम किया। तो सेट पे कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट हुआ होगा जो आप शेयर कर सकते हो? हर रोज़ होता था यार, हर रोज़ होता था, क्योंकि उनके साथ काम करना ये एक एडवेंचर से कम नहीं था, और उतनी स्पॉन्टेनिटी हमेशा रहती थी, उतना ही मज़ा आता था, लेकिन उतने ही किससे भी रोज़ कुछ ना कुछ होते ही रहते थे कि आज ये हो गया, कल वो हो गया, आज ये टूट गया, आज उनका मूड ही नहीं है, आज उन्होंने अचानक सीन में कुछ तो अलग ही कर दिया, लेकिन उस वजह से सीन भी अच्छा हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती थी। तो मैम हम बात करें तो आपके पहले के काम की, उसके बाद ये कुछ डिफरेंट है, तो इसकी स्क्रिप्ट सुनने के बाद आपको कैसा लगा और क्या मन में आया? बहुत अच्छा लगा। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये था कि ये सब होगा कैसे, मतलब लिखा तो है कि इनकी दोस्ती हो जाती है, ये घर में आते हैं, अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन ये होगा कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल था। और शूट शुरू हो जाने के बाद सब कुछ इतना स्मूथ हो गया कि इतना इमेजिन नहीं किया था। हमारी केमिस्ट्री भी हमारे पेट्स के साथ, जो पेट्स जिन्होंने काम किया है, बहुत अच्छी दिखी है, और आई एम श्योर आपको देखने के बाद पसंद आई। सो पेट पुरान नाम में कोई रीज़न? मुझे लगता है वेब सीरीज़ देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसका रीज़न उसी में है। वेब सीरीज़ में ही दिखाया गया है कि इसका नाम ऐसा क्यों है। एक तो है कि पेट्स के बारे में है, इसीलिए उसमें पेट। तो सर आपने पहले सोनी लिव के साथ शांति क्रांति कर चुके हैं और ये आपका दूसरा काम है, तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? और काफ़ी एक्साइटेड हूँ यार, काफ़ी अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ सोनी लिव पे हमें देखने को मिलती है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उसका पार्ट हो सका हूँ। कि ये पहली वेब सीरीज़ थी शांति क्रांति और दूसरी वेब सीरीज़ उनकी अभी पेट पुरान है, तो मैं उसका भी हिस्सा रहा हूँ। लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे क्या हो रहा है। सो वन मोर क्वेश्चन आप दोनों से कि मराठी ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? नहीं, मराठी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अभी देखे जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है। MX प्लेयर है, सोनी लिव है, प्लैनेट मराठी है, ZEE5 है और चारों ही प्लेटफॉर्म पे अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग कंटेंट आ रहा है। जैसे MX पे समांतर 2 जैसी वेब सीरीज़ है, एक थी बेगम जैसी सीरीज़ है और लोगों का काफ़ी प्यार भी मिला है सारे कामों को। तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द अभी जिस तरह से हम लोग अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ रहे हैं, जैसे शांति क्रांति को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला जो सोनी लिव की वेब सीरीज़ है और ना कि मराठी में लेकिन साउथ में भी अलग अलग लैंग्वेजेस में 5 लैंग्वेजेस में वो डब हुई थी, तो सारे लैंग्वेजेस में उसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो मुझे लगता है कि अभी धीरे धीरे बाकी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने भी एक जो उनका रीजनल का विंडो है वो ओपन करना चाहिए और वहाँ पे भी हम जल्द से जल्द देखना चाहते हैं कि मराठी वेब सीरीज़ वहाँ पे भी आए और लोग देखें। हाँ, मैं भी यही कहना चाहूँगी। जब तक आप अच्छा कंटेंट बनाओगे नहीं तब तक आपको समझेगा नहीं कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, किस तरह का कंटेंट लोगों को देखना है। और हम कुछ अलग लेकर आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद शायद लोग और ज़्यादा मराठी वेब की तरफ मुड़ जाएं। इसका श्री गणेशा तो हमने कर दिया है। अब मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि विथ टाइम आपको भी बहुत सारे जॉनरास और बहुत सारी वैरायटी मराठी वेब में देखने मिलेगी। एक्चुअली एक बात क्या है ना कि मराठी थिएटर्स बहुत जगहों पे नहीं है, तो वहाँ तक फिल्में नहीं पहुँच पाती। लेकिन वेब सीरीज़ की वजह से एक अच्छी बात ऐसी हो गई है कि हमारी वेब सीरीज़ गाँव के हर कोने में देखी जा सकती है और मराठी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। आपको पता है सैराट कैसी चली, वो मराठी लोगों ने ही चलाई, तो वो सारा ऑडियंस है हमारे पास। लेकिन उन तक अगर फिल्में नहीं पहुंच पा रही है थिएटर्स की वजह से, तो मुझे लगता है कि वेब सीरीज़ ये एक ऐसा मीडियम है जो हर कोने में, हर घर में, हर मोबाइल पे, हर टीवी पे आप देखा जा सकता है और हर जगह पे वो पहुंच रहा है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि रिस्पॉन्स तो हमें अच्छा मिल ही रहा है, लेकिन अभी जो प्लेटफॉर्म्स है और भी बढ़ेगा और जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है उससे भी अभी हमें अच्छे रिस्पांस की हम उम्मीद रखते हैं। सो मूवी से निकल के अगर हम आप लोगों की पर्सनल लाइफ पे जाए तो आप पेट से आप कितने इंटरेस्टेड है और रखना चाहते हैं? अगर है तो ठीक और नहीं रखना चाहते तो क्या आप मूवी के बाद आप रखोगे? अब इतना काम करके मैं इस बात का ललित के सवाल का जवाब मैं दूँगी और मेरे सवाल का जवाब ललित देंगे। मुझे एक बात पता है, ललित को अपनी कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो फ़िलहाल रेडी नहीं है पेट रखने के लिए। ललित आपको क्या लगता है? और एक सबसे बढ़िया बात है ऐसी है कि हमारे जो वेब सीरीज़ में बकू दिखाई गई है, जो असल में बंकू है, उसे वेब सीरीज़ मतलब हम लोगों ने शूट शुरू ही किया था, लेकिन दूसरे ही दिन में सई ने और ज्ञानेश ने मिल के उसे अडॉप्ट कर लिया। तो अभी वो ज्ञानेश के घर पे और सई के घर पे होता है बंकू, तो ये है। सो लास्ट में जाते जाते ऑडियंस के लिए, अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहोगे आप? यही कहना चाहेंगे कि भाई 6 तारीख लॉक कर लेना, बिंज वॉच करना है, 2 घंटे में बिंज वॉच करके ख़त्म हो जाएगा। देखना हमको हमारे इंस्टाग्राम, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे बताना आपको कैसे लगी हमारी वेब सीरीज़। यह काफ़ी यूनिक और अच्छी कोशिश हम लोगों ने की है। एक नया फ्रेश कंटेंट लेके हम लोग आ रहे हैं, एक नई जोड़ी आपको देखने को मिलने वाली है पेट्स को लेके बहुत सारे मज़े, बहुत सारे एडवेंचर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए ज़रूर देखिएगा पेट पुरान 6 तारीख से सिर्फ सोनी लिव पर। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच।